कहा जाता है कि जो इंसान शून्यता को स्वीकार कर लेता है वही पूर्णता पाने का अधिकारी बन जाता है। इस बात को जरा गहराई से सोचना, पर हम शून्यता जो इस ब्रह्मांड की सुनीता का प्रतीक है, संत अच्युतानंद दास जी को तो आप जानते ही होंगे जिन्होंने भविष्य मल्लिका को लिखी थी। उनके फिलॉसफी को जब मैंने गहराई से अध्ययन किया तो मुझे उनके फिलॉसफिकल आइडियोलॉजी इसमें से ये चीज पढ़ने को मिली जिसे शून्य या ब्राह्मण कहा जाता है। शून्य संहिता जिससे अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखा गया था, इसमें वर्णन किया गया है उस महाशक्ति का जिसे शून्य या पुरुष कहा जाता है। ना तो उसका कोई आकार है और ना ही कोई रंग। ये मानव चाक्षु से परे वाली चीज है, ये अदृश्य है, इसका कोई नाम नहीं है। इस ब्रह्म को शून्य ब्रह्मा कहा जाता है। अच्युतानंद जी के साथ साथ और जो चार सका थे वो भी शून्य पुरुष पर चर्चा किए हैं यहाँ पर। वो एक्चुअल में भगवान विष्णु को शून्य पुरुष का दर्जा दिए हैं। दोस्तों, शून्य संहिता में ये लिखा गया है कि ये वीर सुनय को देखो, अपने आप को शून्य में रखकर उस पर हम शून्यता का ध्यान करो। शून्य स्वयं में ही एक पूर्ण रूप है, समस्त विवेकशील ज्ञान का आधार है शून्य। सुनीता के साथ तुम्हें समग्र जगत को गहराई से देखो, तुम सब कुछ सुनने में प्रकट पाओगे। सभी चीजों का जन्म शून्य से ही होता है और सभी चीजें शून्य में ही फलती और फूलती है। दोस्तों, ये गहरा दर्शन शून्य को पूर्णता के रूप में देखती है, जिससे शून्यता को साधारण इंसान कुछ भी नहीं समझते हैं। वही अच्युतानंद दास सुनीता को संपूर्ण समझते हैं और ब्रह्मा के इसी दर्शन को शून्य ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पांच सका उनके युग में लॉर्ड जगन्नाथ को शून्य ब्रह्म या शून्य पुरुष के नाम से दर्शाते थे और संत अच्युतानंद दास एक ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान के निराकार और आकार इन दोनों स्वरूप को ही मानते थे। गुरु भक्ति गीता में ये वर्णित है कि एक पक्षी दोनों पंखों से उठ सकता है और दोनों आंखों से पूर्ण दृष्टि प्राप्त कर सकता है। एक नेत्र के अभाव से वो एक नेत्री हो जाता है और दोनों नेत्रों की आवाज से वो संपूर्ण अंधा हो जाता है। इसी प्रकार दो नेत्रों की तरह निर्गुण और सगुण ये दोनों एक साथ बंधे हुए हैं। जब तक आप सगुण को नहीं समझ सकते तब तक आप निर्गुण को भी नहीं समझ सकते। वीडियो के पहले मैंने जिस बात को कहा था उसको आप हमेशा ध्यान रखना। जो व्यक्ति शून्यता को स्वीकार कर लेता है वो ही पूर्णता पाने का अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, ऐसे कई प्रकार दार्शनिक तथ्य मौजूद हैं। शून्य ब्राह्मण के बाद हम शब्द ब्रह्म और पिंड ब्रह्मांड तत्व जैसी चीजों को भी जान लेंगे जो आपके मन को तृप्त कर देंगी। तो बस इंतजार कीजिए मेरी आने वाली वीडियोस का। अगर आप लोगों को हमारा कार्य सनातन धर्म का प्रचार करना पसंद आया तो आप सभी लोग हमारे पेज को फॉलो करें और अपने मित्र बंधुओं तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने सनातन धर्म की रोचक तथ्यों के बारे में जान पाए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अद्भुत और रोचक तथ्यों के साथ। धन्यवाद। राम राम।